नवरात्रि व्रत का समापन कैसे करें, यानी व्रत कैसे खोले, क्या खाकर के व्रत खोलना चाहिए और कब व्रत खोलना चाहिए, व्रत के पारणा की सही विधि। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी की भरपूर कृपा एवं आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपके द्वारा की गई पूजा उनको प्राप्त हो और आपकी भक्ति सफल हो। आपने 9 दिन तक लगातार माता रानी की पूजा आराधना की है, भक्ति की है और व्रत किया है। कई प्रकार से भक्तजन व्रत रखते हैं, कुछ सामान्य तौर से फलाहार आदि करके करते हैं, कुछ एक समय भोजन करके व्रत करते हैं, तो कुछ निर्जला व्रत भी नवरात्रि में करते हैं और कुछ भक्तजन कठोर तपस्या के माध्यम से नवरात्रि का अनुष्ठान संपन्न करते हैं। सभी भक्तजन अपनी अपनी आस्था श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करते हैं और व्रत का जो समापन है यानी पारणा है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक साधक शक्ति की पूजा करते हैं व व्रत रखते हैं। देवी के 9 रूपों की आराधना का यह विशेष पर्व है और जिन परिवारों में 7 दिन व्रत रखा जाता है वहां अष्टमी को अपनी कुल देवी का पूजन करने के बाद उनका प्रसाद लेकर के व्रत का समापन किया जाता है और जहां 8 दिनों के लिए व्रत रखा जाता है वहां नवमी तिथि को हवन पूजन करने के बाद माता का विसर्जन करने के बाद व्रत का पारणा किया जाता है। कई परिवारों में नवरात्रि के पहले दिन और सप्तमी के दिन तथा अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है। वह जिस दिन महाअष्टमी अथवा महानवमी का पूजन समापन करते हैं उसी दिन व्रत का पारणा करते हैं। महाअष्टमी और महानवमी के पारणा के विषय में ये बताया गया है कि सबसे पहले आप हवन पूजन करो और हवन पूजन संपन्न होने के बाद अपने घर में अच्छी प्रकार से शुद्धता और पवित्रता के साथ में माता रानी के लिए भोग के लिए प्रसाद तैयार करो, यानी खीर पूड़ी, छोले की सब्जी या फिर चने छोले, हलवा और अन्य मिष्ठान माता रानी के लिए अच्छी प्रकार से आप तैयार करो। उसके बाद माता रानी को भोग अर्पित करो। भोग लगाने के बाद कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए और उसके बाद माता रानी का विसर्जन यानी चावल चढ़ाने के बाद स्वयं को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले माता रानी के प्रसाद के माध्यम से ही व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि आप नवमी को व्रत का पारणा करते हैं तो आप अपने घर में जब भी पूजन पाठ संपन्न हो जाए, कन्या पूजन, कन्या भोजन हो जाए, उसके बाद आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और एक खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि माता रानी के व्रत का पारणा जो है माता के प्रसाद से ही करना चाहिए, यानी जो भी प्रसाद का आपने भोग लगाया है सबसे पहले उसको ही स्वयं ग्रहण करें और उस प्रसाद के माध्यम से ही व्रत को खोलना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो उस समय अपने मन की कामना माता रानी के सामने उच्चारित जरूर कीजिएगा। जैसे आपके मन में इच्छा है कि उत्तम विद्या की प्राप्ति हो या अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए तो आप वह बोलिएगा। यदि आप रोजगार, व्यापार, कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो माता रानी के सामने बोलिएगा जरूर। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं या विवाह संबंधी कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनके बारे में यदि आप माता रानी से कामना चाहते हैं तो आप माता रानी के सामने उच्चारित अवश्य करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चले, आपकी नौकरी में पदोन्नति हो और आपको अच्छा रोजगार, व्यापार या अच्छा पद प्राप्त हो तो वो भी आप माता के सामने जरूर बोलिएगा। यदि आप चाहते हैं कि अच्छी संतान की प्राप्ति हो, संतान की उन्नति तथा प्रगति हो तो वो भी आप माता रानी के सामने उच्चारित करिएगा। यानी जो भी आपकी कामना है वो माता के सामने आप जरूर बोलिएगा। माँ आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगी, उसके बाद ही आप पारणा करें। वैसे नवरात्रि यानी 9 रात्रि के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए, तभी नवरात्रि का जो है संपूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा।
लेकिन सभी के अलग अलग नियम, आस्था तथा परंपरा अनुसार सब व्रत का पालन करते हैं। ऐसे साधक, ऐसे भक्तजन जो नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक का व्रत करते हैं, वह दशमी तिथि को प्रातःकाल पारणा करते हैं। नवमी तिथि सूर्यास्त के पहले पूरी होने पर व्रत 8 दिन व सूर्यास्त के बाद होने पर व्रत 9 दिन व 9 रातों के लिए होता है। इस बार दशमी को ही व्रत का पारणा करना सबसे उपयुक्त होगा। यदि आप चाहते हैं कि नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, तो आप नवमी के दिन पूजन पाठ संपन्न करें और दशमी के दिन ही आप व्रत का पारणा करें। दशमी के दिन आपको व्रत का पारणा सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य करना चाहिए, या फिर दोपहर 2 बजे से लेकर के 3 बजे के मध्य भी व्रत का पारणा आप संपन्न कर सकते हैं। व्रत का पारणा आप फल से कर सकते हैं, व्रत का पारणा आप बिल्व पत्र से भी कर सकते हैं, व्रत का पारणा आप गंगा जल से कर सकते हैं, व्रत का पारणा आप किसी भी माता के चढ़ाए हुए फल से भी कर सकते हैं, व्रत का पारणा किसी भी दूध या दूध से बनी मिठाई से भी कर सकते हैं, व्रत का पारणा आप फलाहारी वस्तु से भी कर सकते हैं, व्रत का पारणा आप भोजन के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि व्रत का पारणा आपको माता रानी के चढ़ाए हुए प्रसाद से ही करना चाहिए, जिससे आपको उपयुक्त फल की प्राप्ति होगी। यदि आप व्रत का पारणा कर ले और उसके बाद आपको जो भी खाना पीना हो आप सभी वस्तुएं खा सकते हैं, उसके बाद किसी भी प्रकार के कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप सभी भक्तजन व्रत का पारणा यानी व्रत को जो है श्रद्धा और भक्ति के साथ खोलना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत का जो है पालन करने के बाद व्रत को खोलने की विधि को ही व्रत का पारणा कहा जाता है। व्रत का पारणे का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि व्रत का संपूर्ण फल यदि किसी में छुपा हुआ है तो वह व्रत के पारणा में छुपा हुआ है। आप पूरे 9 दिन तक पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, लेकिन व्रत का पारणा करते समय आप वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, सारे नियम भूल जाते हैं, जिसको व्रत के पारणा के समय आपको करना ही चाहिए। तो माता रानी का यदि भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है, तो हमने जो विधि विधान आपको बताया है उससे आप व्रत का पारणा अनिवार्य रूप से करें। और माता रानी का ध्यान करते हुए व्रत का पारणा करेंगे तो निश्चय ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके घर परिवार में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए तथा कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिखते जाइए, जिससे माता रानी की भरपूर कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर और आपके ऊपर बरसने लगेगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहेगा। बोलिए जगदम्बे मात की जय। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।